यहाँ पे बाब वेल टॉप पर इतनी स्नो है कि मेरे पूरे पूरे पैर स्नो में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं स्नो तो है ही यहाँ पे, 8-8, 10-10 फीट तक स्नो पड़ी हुई है। मिलता है देख सकते हैं आप, गुफा की तरफ प्रस्थान कराया जा रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त ही। मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और आज की जो ट्रैकिंग होने वाली है अपनी वो शेषनाग से पंचतरणी की होने वाली है। सुबह के बज रहे हैं 9 और इस टाइम मैं कर रहा हूँ अपना ट्रैक स्टार्ट। तो आइए करते हैं ट्रैक को स्टार्ट और मिलते हैं आपसे सीधे रास्ते में। आप एक बार ये नज़ारे चेकआउट कीजिए। रात में स्नोफॉल हुई थी पहाड़ों पर, देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में बर्फ़ पड़ी हुई है। और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ बहुत प्यारा सा है। सब भंडारे चल रहे हैं, भंडारों में श्रद्धालुओं के लिए नाश्ते जलपान की व्यवस्था की गई है। तो अब चल रहे हैं, ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि आज पंचतरणी पहुँचने का हमें कितना टाइम लगता है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता। और जब आप शेषनाग बेस कैंप से बाहर की तरफ आते हैं तब आपको यहीं पे घोड़ा टैक्सी स्टैंड मिल जाता है, जो आपको आगे के लिए एमजी टॉप, पंचतरणी के लिए घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हर चीज़ के लिए यहीं से आपको हायर करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा गौरम पर्ची कटा करके ही बैठना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चलते हैं आगे का भी देखिए, वाटर क्रॉसिंग, इसे पार करके उधर उधर की तरफ जाना है। करते हैं पार और चलते हैं। और आप देख सकते हैं ट्रैक की कंडीशन किस तरह की है, पूरा ढीला हो चुका है ट्रैक, मटमीला पत्थरदार ट्रैक है पूरा। और वहाँ जाना है हमें अभी, पहला पड़ा हुआ है एमजी गणेश टॉप, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। चढ़ाई जो है वो पूरी खड़ी है गणेश टॉप की, लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप देख सकते हैं बीआरओ ने किस तरह से बर्फ को काट के ट्रैक बनाया है। अरे बर्फ, दोनों तरफ बर्फ पड़ी है लगभग 4-4 फीट, और उसे काट के बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से बाबा बर्फानी के धाम तक जाने का रास्ते को बनाया है। कितना प्यारा है, देख सकते हैं आप बर्फ, 3-3, 4-4 फीट तक बर्फ जमी हुई है पूरी ऊपर तक, पूरा ग्लेशियर था। और ये रास्ता बनाया गया है। पूरी अमरनाथ की इस यात्रा में अब तक का सबसे कठिन ट्रैक मुझे जो लगा वो अब तक एमडी टॉप का है, गणेश टॉप का, क्योंकि ये पूरा खड़ा है और 5 किलोमीटर लंबा है। देखिए, देख सकते हैं आप, ये पूरा ट्रैक जा रहा है और ऊपर तक पूरा जा रहा है वहाँ तक। थक चुके हैं पूरी तरह से, मुश्किल से आधा घंटा हुआ चलते हुए, और हालत देख सकते हैं आप किस तरीके की हो गई है। देखते हैं, फिलहाल महादेव का नाम लेते हैं, वहाँ बढ़ते हैं आगे, हर हर महादेव, और चलते हैं आगे, करते हैं सफ़र को कंटिन्यू अपने।
देख सकते हैं बर्फीला ट्रैक। तो आप देख रहे होंगे किस तरह का ट्रैक है, बर्फ बर्फ में से चल के निकलना पड़ रहा है, बहुत ही टफ लग रहा है अब तक का फिलहाल। और देख सकते हैं ये है ट्रैक की कंडीशन, सब टोटल बर्फ में से निकल के जाना पड़ रहा है फिलहाल। BRO काम अभी भी पूरा कर रही है, बर्फ़ को अभी भी ट्रैक से हटा रही है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं श्रद्धालु ने अपनी खुद की वेशभूषा को शंकर भगवान की वेशभूषा बना रखा है और दर्शन करने के लिए सहपूर्वक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो आप वही से आइए, वही मैं सोच रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब इधर आकर पूरे ट्रैक पे बर्फ ही बर्फ है और बर्फ को काट काट के रास्ता बनाया जा रहा है। और देख सकते हैं इधर BRO अभी भी काम में जुटी हुई है रास्ता बनाने के, और अब तक सारे श्रद्धालुओं को कुछ इस तरह के रास्ते पर आगे की तरफ प्रस्थान करवाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह BRO की पूरी टीम ट्रैक को साफ करने में लगी हुई है। चलते हैं आगे। सो गाइस इस अमरनाथ ट्रैक में अब तक का सबसे टफ हार्डेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो गणेश टॉपी है, क्योंकि ये पूरा खड़ा ट्रैक है एकदम बिल्कुल 5 किलोमीटर का, और मुझे लगा चढ़ते चढ़ते 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक केवल 3 किलोमीटर ही मैं ट्रैक कवर कर पाया हूँ। बाकी आप ट्रैक देख सकते हैं पूरा एकदम खड़ा ट्रैक है, किस तरह का है, पूरा ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक है ये, बजरी वगैरह पर ऑफ रोडिंग पूरा ट्रैक है। बाकी बर्फ़ चारों तरफ भर भर के पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। और बाकी चल तो रहे ही आगे की तरफ, यात्रा कर रहे हैं कंप्लीट, देखते हैं और पूरा गणेश टॉप पहुंचने में कितना टाइम लगता है और गणेश टॉप पहुंच के आके क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है श्रद्धालुओं को। तो अब चलते हैं आगे यात्रा में, प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ, और अब मैं आपसे सीधे गणेश टॉप पर पहुँच करके ही मिलूँगा। सो गाइस फाइनली अब हम इस्तेमाल आ चुके हैं बाबू बपाल टॉप पर, और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे बर्फ़ है, स्नो है। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल एकदम फ्रेश स्नो है। लेकिन अभी भी यहाँ से MG टॉप 2 किलोमीटर रह गया है, देखिए आपको ट्रैक दिखाता हूँ। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल टॉप MG टॉप का, वहाँ पे जाना है ऊपर चढ़ के। तो
आइए करते हैं सफर कंटिन्यू, चलते हैं एम जी टॉप की तरफ, देखते हैं और कितना टाइम लगता है आपसे मिलेंगे एम जी टॉप पर ही सीधे। चलिए चलते हैं। और आपको वेव वाल टॉप पर पे भी मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी लग रहा हो, ऑक्सीजन की कमी थोड़ी बहुत भी महसूस हो रही हो, तो आप बिल्कुल भी देर ना लगाएं, तुरंत आ करके चेकअप करा के अगर ऑक्सीजन कमी हो तो उसे तुरंत पूरी करें, क्योंकि वरना दिक्कत हो सकती है आगे। आपको बहुत ऊँचे ट्रैक पर अभी चढ़ना है। ये जो हाइट है एम जी टॉप की लगभग 14,800 फिट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है अमरनाथ ट्रैक का। यहाँ पे बाप वेल टॉप पर इतनी स्नो है कि मेरे पूरे पैर स्नो में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं स्नो तो है, यहाँ पे 8-10 फीट तक स्नो पड़ी हुई है, जो कि अमरनाथ यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही कहलाता है एमजी टॉप। और एमजी टॉप से 2 किलोमीटर नीचे ये पड़ता है बाप वेल टॉप। तो आइए अब यहाँ से प्रस्थान आगे की तरफ और मिलते हैं आपसे अब एम जी टॉप की। ट्रैक पूरा बर्फीला है, देख सकते हैं आप। हेलो बबल टॉप पर लंगर में आपको देखिए ये सब व्यवस्था मिलती है, पेटी की व्यवस्था मिलती है, पता नहीं क्या चीज़ है ये भी है अवेलेबल। पोहा, अम्बाला, आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। देख सकते हैं आप। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एम जी टॉप पर। इसकी जो हाइट है वो लगभग 14,800 फीट है, और वो लग भी रही है देखने में यहाँ की कंडीशन से। देख सकते हैं आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ पे ही पूरी ट्रैकिंग करनी है। बर्फ को काट काट के रोड बनाए गए हैं, और अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर पंचपत्री की तरफ। यहाँ पे भी मेडिकल की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, भंडारे वगैरह काफ़ी चल रहे हैं, लंगर। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि पंचतरणी पहुँचने में आखिर कितना टाइम लगता है। यहाँ 4.5 घंटे लगे हैं, बाकी देखते हैं आगे और कितना टाइम लगता है। वेदर को चेकआउट कीजिए, क्या मस्त सुहावना सा हो रखा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रखी है। देख सकते हैं आप कितना मस्त नज़ारा हो रखा है, बिल्कुल एक नंबर। और पोष पत्री तक ज़्यादातर सब बर्फ पे ही ट्रैकिंग करनी है। चेकआउट कीजिए मौसम। अरे आगे चढ़ने की जगह है ना, आप एक साथ इसीलिए हम आराम से आ रहे थे कि ब्लॉग बनता रहेगा, वीडियो निकलती रहेगी। देख सकते हैं पूरे पूरे पैर बर्फ में ढस रहे हैं, आपके इतनी बर्फ है। ये मुझे लगा तक का सबसे ट्रैक और एडवेंचरस, बट हाँ खतरनाक भी उतना ही है, क्योंकि जब स्नो फ्री होती है तो कुछ इतना फिसलने के चांसेस नहीं होते हैं, बट जब जम जाती है तो
तो गिरने के और चोट लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ चलने वाला ट्रैक है, बहुत ज़्यादा फिसलनदार हो चुका है और बाकी जो स्नो है वो सब ताजी है, उखड़ी हुई है, तो इतना कुछ खास डेंजर नहीं है। बाकी स्नो तो आप देख सकते हैं चारों तरफ भारी मात्रा में पड़ी हुई है और शायद पोष पत्र तक इस बर्फीले ऐसे ही ट्रैक पर हमें चल के जाना है। तो यहाँ से पोषपत्री 3 किलोमीटर है, देखते हैं कितना टाइम लगता है क्योंकि ट्रैक तो पूरा बर्फीला ही है। बाकी चलते हैं और देखते हैं आगे का ट्रैक किस तरीके का है। सी द व्यू, अनएक्सपेक्टेड व्यू। पोषपत्री तक तो लगभग लग रहा है पूरा ट्रैक ही बर्फ का है, लगभग 1 किलोमीटर आ चुके हैं और अब तक केवल और केवल बर्फ पर ही चल रहे हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखें, इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि बर्फ़ में चलने पर फिसलन ज़्यादा होती है, तो आपको चोट लग सकती है। इसलिए इसको कोशिश करें, इसको गड़ा करके ही आगे कदम बढ़ाएं ताकि गिरने के चांसेस आपके 90% तक कम हो जाएंगे। देखिए इसकी कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। ये जो पॉइंट है ये 14,800 फिट पर है, हाई एटीट्यूड पॉइंट है। हर हर महादेव। पोषपत्री से 1 किलोमीटर पीछे रास्ते के नज़ारे तो लाजवाब देख ही सकते हैं। चारों तरफ स्नो ही स्नो है। और अभी भी पोषपत्री लगभग 1 किलोमीटर रह गया, चलते हैं आगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है और ऐसे आगे क्या क्या व्यवस्था वगैरह है। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ तो पूरे रास्ते में हर जगह मिली रही है। बाकी देखते हैं, चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको भी। अब हम आ चुके हैं पोषपत्री के पास लगभग 1.5 किलोमीटर पहले और अब तक का अगर सबसे डेंजर जोन आपको मैं दिखाऊं तो आप भी हैरान जाएंगे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो है कि वन की श्रद्धालुओं को सरक सरक कर नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है और NDRF की टीमें रस्सियों से श्रद्धालुओं को एक साइड से दूसरी साइड बुला रही हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रस्सी किया जा रहा है। तो ये देखिए, इसको शोर बोले जानदे बोले भैया झंडा थोड़ा जो है। देख सकते हैं आप किस तरह से जाया, किस तरह से जा रहे हैं श्रद्धालु। चल भाई बोला, इधर देख के जानदे नाम ऊपर उठाओ, अरे धक्का मारो धक्का। देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं को किस तरह से रेस्क्यू करके नीचे की तरफ बाबा अमरनाथ की गुफा की तरफ प्रस्थान कराया जा रहा है। और वो आपको दिख रहा होगा वही का बेस कैंप, ये सिखाते हैं आपको एक और टेंपल जोन। बहुत ही स्लिपरी रास्ता हो पूरा का पूरा स्नो से। चलते हैं थोड़ा नजदीक और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप NDRF की टीमें
बीआरओ की टीमें लगातार बर्फ हटाने का प्रयास कर रही हैं रास्ते से। देख सकते हैं आप किस तरह से बीआरओ एनडीआरएफ की टीमों ने बर्फ पर सीढ़ी बनाई है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम आ चुके हैं हम पोष पत्रे पे और देख सकते हैं कहां से उतर के आए हैं, कितना हाई एटीट्यूड है 14,800 फीट। कहां से उतर के श्रद्धालु बर्फ में से होते हुए पोष पत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पुष्पत्री पहुंच के पुष्पत्री के नज़ारे। सो फाइनली हम आ चुके हैं पुष्पत्री, देख सकते हैं आप ये पुष्पत्री का एंट्री गेट है। चलते हैं अंदर और अंदर से आपको दिखाते हैं नज़ारे। फाइनली आ चुके हैं पुष्पत्री जगह को, इस तरह का नज़ारा। काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है ऐसे, देखिए दोनों तरफ सीढ़ियों पर गमले लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं के लिए पोष पत्री भंडारे में मसाज की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मसाज जोन नाम से देखिए सकते हैं, टोकी मसाज करा सकते हैं ताकि थकान आपकी दूर हो सके। और ये है लंगर भंडारा, काफ़ी बड़ा सा। और देख सकते हैं आप कितना विशाल भीड़ है इसमें। चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है, रखी गई। देखते हैं कैसी है टेस्ट करने में, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखते हैं टेस्ट करके कैसी है। देख सकते हैं आप मिठाई में कितने सारे आइटम हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए, कितने सारे आइटम हैं आप खुद देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्न पोहा मसाला चना मसाला खांड भी। अपने घोड़े पिट्ठू वालों से मैंने 4 घंटे से सांभर वड़ा डोसा मोमोस हमारे सुरक्षा कर्मी परिजन वाले कृपया अपने घोड़े पिट्ठू वालों से संपर्क करें और अपने यात्रा को आगे ले जाए। जय सतगुरु जय जी माता दी। आप पी लो भैया, पहले खा लो, खा के ले लो। आलू का पराठा बाकी रख सकते हैं, ब्रेड हॉट डॉग मशरूम, ये तरह तरह की और वैरायटीज आइटम्स मिलते हैं। पाइनएप्पल शेक, मैंगो शेक, बादाम शेक और भी कई तरह के सेव अवेलेबल हैं। तो गाइस फाइनली पोष पत्री में भंडारा ग्रहण करने के बाद जलपान करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ पंचकर्णी की तरफ। और आपसे अब सीधे मिलते हैं पंचकर्णी आगे, बाकी आप लोग व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यारा व्यू है, देखिए एक बार ये किस तरह से फाउंटेन बना रखा है।
और इधर ये देखिए आई लव महादेव का साइन बोर्ड। सो गाइस हम चाह चुके हैं पोषपत्री से पंचतरणी के रास्ते पर, और अभी जो फिलहाल रास्ते हैं वो टोटल ढलान वाले। पंचतरणी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर रह जाता है, देखते हैं इसको कवर करने में हमें टोटल कितना टाइम लगता है। जय बोले की जय बोले की जय बोले की। तो गाइस हम हैं पंचतरणी से लगभग 3 किलोमीटर पहले, और यहाँ एक जगह रुके हैं, आपको दिखाता हूँ। वेदर एकदम से बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया, अभी तक जहाँ बर्फ़ के पहाड़ चढ़ रहे थे वहाँ बिल्कुल सूखे हुए पहाड़ आ गए हैं। देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अभी तक लदे लदे हुए, अब वहाँ एकदम से बिल्कुल सूखे हुए पहाड़ आ चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर पीछे है। अगर मैं आपको ट्रैकिंग की एक टिप दूँ तो सबसे मेन ट्रैकिंग की टिप अगर मैं आपको बताऊँ तो जब आप ट्रैकिंग करें तो अपने मुँह में एक टॉफ़ी जरूर डाल के चलेंगे, क्योंकि टॉफ़ी के तहत बहुत, और अगर आप टॉफ़ी डाल के चलेंगे तो आपको कंफ्यूज मिलता रहेगा तो आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सांस तभी फूलती है जब आपका मुँह सूखता है, टॉफ़ी जब मुँह में होगी उसका कंटिन्यू लार बनता रहेगा तो आपका ना तो मुँह सूखेगा ना। पीछे हैं ट्रैक कुछ इस तरह का है जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको पंचतरणी पहुंच के पंचतरणी का नज़ारा दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं, वहाँ के भंडारे लंगर, वहाँ कैसी व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की सब दिखाते हैं। फाइनली पंचतरणी बेस कैंप अब नज़र आने लगा है। सुबह से चलते चलते 9 बजे से चलते चलते अब शाम के 6 बजने पे आ गए हैं, और अब मुझे मेरे सामने पंचतरणी बेस कैंप नज़र आ रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पंचतरणी का बेस कैंप, और अभी भी ये लगभग यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया है, लगभग लगभग 8 के आसपास टाइम हो जाएगा मुझे पहुँचते पहुँचते। बाकी मैं आपको वहाँ पहुँच के वहाँ का व्यू तो दिखाऊँगा ही कि वहाँ पे कैसी सुविधा है, क्या फैसिलिटीज है। फिलहाल आप ये एक बार व्यू देखिए, आपको वो नज़र आ रहा होगा कैंप पंचतरणी बेस कैंप, ये रहा। फिलहाल ये व्यू देख लिए कुछ कितना प्यारा है, मनमोह होने वाला व्यू है ये। अभी जब हम यहाँ से एमजी टॉप से आए थे तो एमजी टॉप इस यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 14,800 फीट, बट पंचतरणी जो बेस कैंप है वो केवल और केवल 11,500 फीट पे है, और बाबा अमरनाथ की गुफा होली के जिसे बोलते हैं वो है लगभग 13,500 फीट पे। तो आज का स्टे हमारा पंचतरणी में ही होगा, और कल का स्टे हम कोशिश करेंगे हम कल स्टे ना करें, सीधे होली के बाबा बर्फानी के दर्शन करके डायरेक्ट बालटाल वाले रोड से प्रस्थान करें अपने घर की तरफ। बाकी देखते हैं कैसी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन को डिपेंड करता है कि क्या होता है। फिलहाल चलते हैं आगे,
और जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं पंचतरणी बेस कैंप। और फिलहाल रास्ते आप देख ही सकते हैं किस तरीके के हैं, ऑलमोस्ट सभी तरह के रास्ते ऐसे ही हैं। गाइस फाइनली मैं पंचतरणी पहुंचने वाला हूं, लगभग आधे घंटे का ट्रैवल रह गया है। और आपको मैं बताता हूं उन भाइयों से, ये मुझे शेषनाग से मैं इन्हीं के साथ ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे आज मैं सुबह से इनके साथ ट्रैवल कर रहा हूं। आइए इनसे कुछ बताऊं, कुछ आपके लिए इनका एक्सपीरियंस तक ट्रैक का कैसा रहा है, क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या इन्हें अच्छा फील हुआ, इनसे एक बार रिव्यू लेते हैं पूरे ट्रैक का। तो भाई बताइए आपको अब तक का ट्रैक कैसा लगा शेषनाग से पंचतरणी तक, और क्या क्या आपको परेशानी है, क्या क्या आपको खाने को मिली, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे कैसी है, एकदम सब कुछ बढ़िया लगा एकदम, और लंगर भंडारे वगैरह में एकदम बढ़िया सब चीज़ बढ़िया मिल रही थी एकदम, और टेस्ट वगैरह में सामान सब कैसा था सारा खर्चा वगैरह बता रहे थे, अच्छा था सब कुछ बढ़िया था एकदम। तो आप देख सकते हैं ऐसा भाई रिव्यू दे रहे हैं लंगर का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का। बाकी फोर्स वगैरह की बात करें तो फोर्स वगैरह हर जगह भरपूर तैनात है, हर 100 मीटर पर आपको सिपाही बैठे दिखेंगे BSF या फिर ITBP के, और NDRF की टीम जो है वो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से कंटिन्यू बर्फ़ को हटाने का काम कर रही है। और फिलहाल आधा किलोमीटर का ट्रैक रह गया है, देखिए अभी भी आधे किलोमीटर आपको दिख रहा होगा। सो ये क्लियर करते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं और चलते हैं। आप आज का अपना स्टे वहीं पे होगा, तब लोग निकलेंगे होली कैंप के लिए जो कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं आगे, और कुछ ट्रैक आप देख सकते हैं इस तरह का है, पूरा पत्थरदार ट्रैक है, ऊपर से आ रहा है देख सकते हैं आप, और नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही है सारा ट्रैक अब तक। चलते हैं आगे, आपसे आप सीधे मिलेंगे पंचतरणी बेस कैंप पे। एक बार व्यूज को चेकआउट कीजिए, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, पूरी घाटियों के बीच में पंचतरणी और पंचतरणी के पास में ये घास के मैदान कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, कितने सुंदर। और पीछे वो है बर्फ के पहाड़, और वो है सामने पंचतरणी बेस कैंप। चलते हैं दिखाते हैं आपको आगे का और नज़ारा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पंचतरणी बेस कैंप पर। और क्या आपको पता है कि पंचतरणी बेस कैंप का नाम पंचतरणी क्यों है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं बताता हूँ आपको। पंचतरणी बेस कैंप का नाम पंचतरणी इस वजह से था क्योंकि जब शिव भगवान तांडव कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर अपनी जटाएं पटकी थी, जिससे पांच जल की धारा उत्पन्न हुई, और वो पांच जल की धारा आज भी यहाँ पे हैं, जिन्हें आप साक्षात यहाँ पे अगर देख सकते हैं। तो इसी वजह से इस जगह का नाम पंचतरणी रखा गया था। और देख सकते हैं यहाँ से आपको मैं एक दो धारा तो मैं भी दिखा सकता हूँ, देखिए ऐसे एक धारा तो आपको नजर आ ही रही होगी साफ साफ, बाकी चार धारा उस साइड में है पीछे की साइड में, वो पॉसिबल नहीं है वरना मैं आपको पूरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाता। तो इस वजह से इस जगह को पंचतरणी बोला जाता है, पंचतरणी बेस कैंप, और सेकंड यात्रियों का यहीं पे स्टे होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही कराया जाता है, बट कैंप जो है वो प्राइवेट होते हैं। कैंप के क्या प्राइस हैं वो अंदर चल के देखते हैं, आपको बताते हैं, और लंगर की क्या व्यवस्था है वो भी देखते हैं। और अब चलते हैं अंदर बेस कैंप में अपना स्टे लेने के लिए, पता करते हैं कितने रुपए का है और आपको भी बताते हैं। ये है पंचतरणी बेस कैंप का एंट्री पॉइंट, करते हैं एंट्री, सिक्योरिटी चेक कराते हैं, अंदर चलते हैं। सुबह फाइनली हम सिक्योरिटी चेक कराकर बेस कैंप के अंदर आ चुके हैं, और अब यहाँ पे अभी तक फिलहाल कैंप खोजने की तलाश जारी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं मेरे दोनों तरफ, देखते हैं कैंप कितने रुपए का मिल रहा है, कितने रुपए पर पर्सन पे यहाँ पे स्टे बनता है, देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। और वीडियो में जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे जो टेंट है
वो पर पर्सन 550 रुपये का मिल रहा है अगर आप शेयरिंग करते हैं तो। अदरवाइज शेयरिंग ही आपको करनी पड़ेगी, वरना आप पूरा टेंट बुक करेंगे तो आपको 500-550 रुपये देने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप शेयरिंग में रहें, अच्छा ऑप्शन बजट में आप यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी कैसी भी, जो है लगभग 550 रुपये का पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ और आपको ये हाँ मैं स्टे करूँगा उस टेंट में, वो आपको टेंट में दिखाता हूँ किस तरीके का टेंट है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने कैंप में, ये देख सकते हैं आप पूरा ये कैंप है। सो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल जल्दी मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ जिसमें मैं आपको कराऊंगा बाबा बर्फानी के दर्शन और पंचतरणी से लेकर के होली के अब तक की पूरी ट्रैकिंग वो दिखाऊंगा। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, सबको जय बाबा बर्फानी, कल जल्दी मिलेंगे।